हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जुलाना में आज राजेश जयजयवंती, जो वार्ड नंबर 18 से उनकी मिसिज ने नामांकन भरा था। सुनीता रानी जो पूर्व सरपंच है जयजयवंती की, आज वो पहुंची है। काफ़ी महिलाएं भी यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर प्रशंसक पहुँचे हैं, उनके जो साथ हैं आए हैं। यहाँ पर उद्घाटन किया गया आज कार्यालय का, काफ़ी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई बात भी कराएंगे। भाई कैसे कैंडिडेट हैं वो, उनके समर्थन में जो आज आई हैं, क्या कारण है सर? जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कारण है राजेश जयजयवंती के समर्थन में आज गाड़ी भर कर रही है जुलाना में? राजेश जयजयवंती जी दो बार जयजयवंती का सरपंच बन चुका है। इसने बहुत अच्छे काम करे हैं, गलियां वगैरह पक्की करवाई हैं, लेटरिन बाथरूम का सारा मतलब गांव में विकास करवाया है, हर विकास में सड़क बनवाई है, हर विकास में यह कर रहे हैं। तो विकास इसने गांव में थोड़े वाइज तो नहीं करा, पूरा गांव का कराया विकास? पूरा गांव का करवाया, कोई मतलब नू पक्षपात नहीं करा? ना कोई पक्षपात नहीं करा, पूरे गांव का गलियां जो भीड़ी थी वो चोरी करवाई है। मतलब अवैध कब्जे भी हटवा दिए सारे? अवैध कब्जे अतिक्रमण था खत्म करा दिया। हाँ, अवैध कब्जे सब हटा दिए है, नालियां वगैरह सारी पक्की करवा रखी है। मतलब हर तरह का विकास इसने करवाया है और कोई भाईचारा का ये नहीं करा पक्षपात, यहाँ करवा दू यहाँ नहीं करवा, वो कोई वो नहीं करा। अब हम इसको जिला परिषद में लेना था, वहाँ हम चाह रहे हाँ भाई जिला परिषद में अब इसमें भी जीते, आगे चेयरमैन बन जाए तो पूरे इलाके का विकास करवा दे, इसलिए हम यहाँ पे आए। भाई देख लो महिलाओं का साफ कहना कि पूरे वार्ड के विकास के लिए हम पूछे हैं। हाँ। ताई नो बता काम करे इसने की में? हाँ करे भाई, माता दे तो बढ़िया काम करे। हाँ, बढ़िया ठीक से उम्मीदवार बढ़िया। हाँ, बढ़िया भाई देख लो महिलाओं यही कहना की के ताई ईश्वर का थोड़ा नहीं पाना, ईश्वर का नहीं पाना, सही काम करे, सही काम करे, सही बढ़िया काम करे। देख लो भाई नुके है भाई ईश्वर का थोड़ा नहीं पाना। आपकी कह रहा है जी इसमें जो सुनीता देवी आई है मैदान में जिला परिषद वार्ड नंबर 18 से विकास कार्य करा पाएगी, एक महिला है? ये महिला है लेकिन तीन योजनाओं से ये सरपंच बनती आ रही है। लगातार ये लगातार तीन योजना होगी ये सरपंच बनती आ रही है, लेकिन इससे गांव इतना खुश है कि इसको जिला परिषद में उतारा गया है कि ये सबके 36 जात के साथ चलने वाला इंसान है। हाँ, 36 बिरादरी को साथ में लेके चल रहे हैं ये। ये जगह जगह ये गरीब के तो साथ ये हमेशा खड़े रहते हैं। एक बार जब राजेश जी के कानों में अगर कुछ भी बात होगी ना गरीब की सहायता के लिए, ये हमेशा तैयार रहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा प्रवीण। ये देखिए भाई महिला ने बताया कि जो राजेश जयजयवंती हैं हमेशा गरीबों के लिए सहायता के लिए तत्पर रहते हैं जी। मतलब सही बात कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया लड़का हमारा, बहुत आदर सम्मान भी करता है, और ये गंदा आदमी का तो साथ देगा नहीं जी, अच्छा का तो ये साथी है जी, बराबर तो, हाँ कोई गरीबों अमीरों और सही का तो साथ देगा जी, और गंदे का तो अपने भाई का भी नहीं। देख लो भाई महिलाओं की बेबाक राय है, साफ बोल रही है भाई। भाई नुए बात है? हाँ नुआ है बेटा। ये कहो झूठ तो नहीं बोलती? ना कति नहीं झूठ बोलती, मारा तो गुआंडी भाई है। अच्छा। और मारा गांव तो भी सहायता करा गढ़वाली ते। गढ़वाली ते। गढ़वाली ते। हाँ। गढ़वाली में भी गढ़वाली में भी पूरा साथ देवा है, ये पूरा साथ देवा है गढ़वाली में भी गरीब आदमी का। जताओगे कल है? जतावांगे, मारा तो गांव से कोनी जरा महंगा ला रहा जतान, पूरा महंगा ला रहे, पूरा ला रहे। मेरा नाम है मगड़। मगड़ ताई थी वो? हाँ। देख लो आप गढ़वाली है तो गढ़वाली थे। हाँ। देख लो दूसरे गांव से भी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, और भी महिलाओं से और भी जो यहाँ इस समय उद्घाटन में ताई राम राम है। राम राम भाई, मैं गांव गढ़वाली से हूँ, कृष्णा देवी हूँ। अच्छा। और वैसे मारा राजेश लड़का है, हमने बड़ी मोहम्मद से हम जताएंगे। अच्छा। बहुत बढ़िया काम करता है गरीब के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है। अच्छा। और इसमें भेदभाव कोई भी नहीं है, जो ऐसा किसी के भी नहीं है, जो गलत भाई है तो उसको गलत बोलेगा, जो सही है वो सही बोलेगा। और जो गरीब पर कन्या पर लड़कियों पर सब पर दान भी करता है, इतना हमें कोई भी नहीं मिला है। हम इसको बड़ी वोटों से बड़े वो ज्यादा है तो मैंने कहना भी नहीं आंदा, को गलती चलती मोहम्मद से बहुत ज्यादा से हम इसको जताएंगे। ताई कितनी उम्र होगी? उम्र होगी होगी मेरी 80-86 साल की। अच्छा 86 साल की उम्र होगी। हाँ। ताई बतेरे चुनाव देख के कैंडिडेट? हाँ ना ना, ऐसा कैंडिडेट कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है हम तो इसलिए हमने ये जमा। भाई ताई ने लगभग 15 चुनाव देखे हैं, अन्य कैसा कैंडिडेट नहीं देखा? देशवासियों को सभी प्रदेशवासियों को मीनू दलाल मालवी की तरफ से दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
एक और ग्रामीण महिला हमारे साथ जुड़ी है जो आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है सुनीता देवी के द्वारा, जो राजेश जयजवंती की मिसिज है, पूर्व सरपंच भी रही है, गांव ने लगातार इनको दो बार से सरपंच भी बनाया और अब जिला परिषद में इनको लाए हैं। जी नमस्कार जी, क्या लग रहा है जो जन सैलाब उमड़ा गांव की महिलाएं पहुंची है? आपको भी पता है, एक्सपीरियंस भी है, बंदे की क्वालिटी बिकती है। जी जी है, बंदे में जो क्वालिटी होगी ना वही है। कंटिन्यू दो योजना सरपंच में बनना आसान बात तो है नहीं, है ना? आपको पता है ये पूरा गांव एक बंदे पे मतलब फेद करता है, तो कुछ तो क्वालिटी होगी। जी जी, इसलिए यही सेम है कि आज जिला परिषद में मेरे ख्याल से नेक्स्ट आने वाले टाइम में वोटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और जितना भी लोगों का विश्वास है तो मेरे ख्याल से तो बैठे बैठाए बन जाने चाहिए, घर बैठे बन जाऊंगे। हाँ, बन जाएंगे भाई, देख लो आत्मविश्वास बोल रहे हो, घर बैठे बनेंगे, ऐसा क्या कारण है? बंदे में क्वालिटी है, काम करता है, काम करता है, खिलाड़ियों के साथ भी है और गरीबों के साथ भी, हर बंदे के साथ है, चाहे उसमें कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, छोटा बड़ा ना हो, हर बंदे के साथ। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, क्या लगता है आज आपको यहाँ पर जन सैलाब देखा जो काफी जनसंख्या में ग्रामीण आए हुए हैं? भाई दो बार सरपंच रह चुके हैं, सरपंच के कारण मतलब इसका पार्षद बनाता है, लगभग कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 वोटों से जीत होनी चाहिए, 10,000 वोटा 10,000 वोटों से। ये देखिए भाई, हाँ। विश्वास देख को आप है, 10,000 वोटों से कम भी 10,000 वोटों से अगर जीत हो तो कम तो कोई जीत नहीं है। क्या नाम आपका? रमेश लाठर, जुलाना। जुलाना, राम राम। राम राम जी। ये भी तो लग गया आज का हिसाब किताब देखा तो इलेक्शन का, इलेक्शन का तो भाई राजेश तो देखो 100% जीत रहा है, क्योंकि जो है जीत भी जावा है ना उड़े लोग न्याय की और विकास की बात करें है, विकास करनिया छोरा है। अच्छा। और विकास वाला ऐसा में चलनिया है, क्योंकि न्याय करनिया गरीब का साथ देनिया छोरा है। तो इसी की खास बात है राजेश में, जो लगातार दो बार सरपंच चुने गांव वालों ने और अब आप जिला परिषद में ले आए। मैं तो एक का बात करूँगा, घनी बात बोलने दें, एक विकास, विकास और विकास और सबका साथ और सबका विश्वास। अच्छा। राजेश का गिल्ला है, हाँ, बहू छोरी बाण बेटी बड़ा छोटा सबके में। तब कौन से काम थे यहाँ पर? मैं मालवी गांव से हूँ। मालवी गांव से, तो मालवी गांव के बारे में बताया जाता है कि मालवी गांव जहाँ पर जाता है वो विजेता हो जाता है, तो मालवी गांव का क्या लगता है आपको? मालवी गांव में 90% तो भी गणे वोट राजेश जिया के हैं। जी जी। और बाकी ये ऊपर वाला की एक कुछ बख्शीश है, मारे मेल मिलाप और मारे प्यार प्रेम, हूँ तो मानस जाति गला सब गल हैं, फिर गुआंडा में गणे हैं। जी जी। इसलिए जो है इसका फर्क है भाई, देख सकते हैं गांव मालवी बहुत बड़ा गांव है और इसके अंदर वोटों की तादाद देखें तो 2-3 गांव को माफ कर देती है, अगर जो वहां से बढ़त करता है वो विजेता होता है। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप डीएन हरियाणा के साथ। सभी हल्का वासियों को मेरी तरफ से दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।